दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब कोई भी ऐसी औरत जिस औरत की उम्र ना 30 साल से लेकर 50 साल के बीच में है, मतलब वो औरत ना एक बड़ी उम्र की औरत है, तो ऐसी औरत अगर किसी भी ऐरे गैरे पुरुष के साथ, मतलब किसी भी गैर पुरुष के साथ, मतलब अपने पति को छोड़कर वो अगर किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो वो ना उस पुरुष से संबंध बनाते समय वो उस पुरुष के अंदर क्या देखती है। मतलब ऐसी औरत जो 30 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में है और वो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ नाजायज संबंध बनाती है, तो उसके साथ संबंध बनाने से पहले वो क्या देखती है। मतलब जैसे एक लड़की ना दोस्तों, मतलब किसी भी पुरुष से पटने से पहले उसके अंदर देखती है कि वो बंदा दिखने में कैसा है, मतलब वो बंदा ना मतलब रहने का कितना पैसा कमाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर दोस्तों जो बड़ी उम्र की जो औरतें होती है ना, उनके साथ दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों डिफरेंट होता है। मतलब वो बंदा दिखने में कैसा है, मतलब वो बंदा कितना पैसा कमाता है, इसके ऊपर जो बड़ी उम्र की जो औरतें होती है ना वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तो बड़ी उम्र की औरत पटने से पहले क्या देखती है, इसके ही बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपको जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ उन बातों को दोस्तों अगर आप दोस्तों समझ गए ना दोस्तों, तो आपको किसी भी बड़ी उम्र की औरत को पटाने में कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों नहीं आएगी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो दोस्तों देखो, जब कोई भी बड़ी उम्र की औरत, मतलब जिस औरत की उम्र ना 30 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में है और वो औरत ना अपने पति को छोड़कर किसी भी गैर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो वो सबसे पहली जो चीज़ देखती है और दोस्तों कौन सी देखती है कि क्या ये पुरुष मेरी ज़रूरत को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि वो औरत ना एक तो मतलब उस औरत की उम्र 30 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में है और वो औरत की ना शादी हो चुकी है, मतलब उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई ना कोई पुरुष है। तो इसका मतलब ऐसा ही है दोस्तों कि उसकी ज़िंदगी में उसका पति है, पर अगर वो पति होने के बावजूद भी किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो इसका मतलब ऐसा है कि उसका पति ना उसको कोई ना कोई चीज़ देने में असक्षम है। मतलब वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसका पति ना उसको प्यार नहीं करता, उसका पति ना उसको समय नहीं देता, उसका पति ना उसको शॉपिंग करने के लिए पैसा नहीं देता, उसका पति ना उसको बिस्तर के ऊपर ना शारीरिक संतुष्टि मतलब नहीं देता। मतलब ऐसा कोई ना कोई कारण है जिस कारण की वजह से ना वो औरत ना अपने पति से नाखुश है। तो दोस्तों जब कोई भी ऐसी औरत किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो वो देखती है कि जो चीज़ मुझे मेरे पति से नहीं मिल रही है, तो वो चीज़ ये जो बंदा है तो ये बंदा मुझे दे सकता है क्या, मतलब ये बंदा मेरी ज़रूरत को पूरी कर सकता है क्या। और अगर उस औरत को ऐसा लगा कि ये जो बंदा है ना तो ये बंदा मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, तो ही दोस्तों मतलब जो और दोस्तों औरत होती है ना, तो वो औरत मतलब उस बंदे के साथ संबंध बनाने के लिए वो तैयार हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताई तो ये सबसे पहली दोस्तों चीज़ होती है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज़ है, तो दोस्तों वो ऐसी है कि जब कोई भी बड़ी उम्र की औरत, मतलब जिस औरत की उम्र ना 30 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में है और वो औरत को ना किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बनाने हैं, तो वो औरत ना दोस्तों उस पुरुष के अंदर देखती है कि क्या इस बंदे के ऊपर मैं विश्वास रख सकती हूँ क्या। मतलब दोस्तों बहुत सारे पुरुष दोस्तों ऐसे होते हैं, अगर उनसे कोई भी औरत दोस्तों अगर उनसे पड़ जाती है तो वो औरत को ना मतलब बेइज्जत करते हैं, मतलब वो ना मतलब सीक्रेट मतलब वो जो गुप्तता होती है तो उसको बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते। मतलब अगर उनसे कोई भी औरत कोई भी भाभी सेट होती है तो वो जो पुरुष होता है ना, तो वो सभी मोहल्ले में मतलब सभी को बताता है कि मुझसे ना वो जो भाभी है ना, तो भाभी मुझसे सेट है। मतलब ऐसे भी दोस्तों पुरुष होते हैं। और दोस्तों ऐसे भी दोस्तों कुछ मतलब पुरुष होते हैं जो अगर किसी भी मतलब औरत के साथ संबंध बनाते हैं तो उसकी कोई ना कोई फ़ोटो निकाल कर उसको दोस्तों मतलब ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने मुझे इतने इतने पैसे नहीं दिए तो मैं ये फ़ोटो ना मतलब तुम्हारे जो पति है उसको मैं दिखा दूंगा। मतलब ऐसे भी दोस्तों पुरुष होते हैं। तो जो बड़ी उम्र की दोस्तों जो औरत होती है ना, वो किसी भी पुरुष से पटने से पहले सबसे पहले देखती है कि क्या मैं इस बंदे के ऊपर विश्वास रख सकती हूँ क्या। और अगर उसको ऐसा
ऐसा लगा कि मैं इस बंदे के ऊपर विश्वास रख सकती हूँ, ये जो बंदा है ना तो ये बंदा मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, तो ही दोस्तों औरत ना उस पुरुष से पटने के लिए थोड़ी बहुत तैयार हो जाती है दोस्तों। तो अभी जो मैंने आपको बताई, तो दोस्तों अभी ये दूसरी चीज़ है जो वेरी मच इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद दोस्तों जो तीसरी चीज़ है और दोस्तों कौन सी है कि उस पुरुष की मस्कुलर बॉडी। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने, उस पुरुष की मस्कुलर बॉडी। तो दोस्तों जो बड़ी उम्र की दोस्तों जो औरत होती है ना, जिस औरत की उम्र ना 30 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में है, तो वो ना किसी भी पुरुष से पटने से पहले उसके अंदर देखती है कि इस पुरुष के अंदर स्टैमिना कितना है, मतलब इसकी जो बॉडी है ना वो बॉडी कैसी है। और अगर किसी भी पुरुष की बॉडी अगर एकदम मस्कुलर है तो ऐसे पुरुष से पटने में ना दोस्तों वो औरत ज़्यादा समय नहीं लेती। इसका मतलब दोस्तों ऐसा होता है कि उस औरत को ऐसा लगता है कि अगर कोई तगड़ा और अगर कोई मतलब अच्छा बॉडी वाला पुरुष अगर मुझसे पट गया तो वो पुरुष ना मुझे ज़्यादा मज़ा देगा ही, पर अगर कोई भी गुंडे लोग अगर मतलब मुझे खेलने के लिए आ गए तो उस समय वो पुरुष ना मतलब मुझे सिक्योरिटी भी मतलब प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों जो बड़ी उम्र की जो औरतें होती है ना दोस्तों वो ज़्यादातर ऐसी पुरुषों से सेट होती है जो एकदम मतलब एकदम बॉडीगार्ड होते हैं। ऐसे दुबले पतले पुरुषों से बिल्कुल भी औरत दोस्तों सेट नहीं होती जो बड़ी उम्र की मतलब जो औरत होती है। तो दोस्तों तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।